सीटों पर उपचुनाव होने हैं खींवसर, हाँ मतलब उनको अगर हम स्वर्गवास हो गया अमृता मीणा का, तो खींवसर समेत 6 की 6 सीटों पर आरएलपी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी या आप अकेले दम पर लड़ेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि भाई हमारी वजह से फायदा हुआ कांग्रेस को यहाँ। वो मुझे ही तय करना है कि क्या करेंगे, आज उसका उत्तर नहीं देंगे। समय तो इसका मतलब यह है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है आज दिल्ली में हो ना, कोई यहाँ इंडिया गठबंधन कौन सा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं गठबंधन, राजस्थान में कौन सा गठबंधन है, तो ये कैसा गठबंधन हुआ कि वहां साथ है यहाँ साथ नहीं है। पंजाब में था ना, पंजाब में नहीं था कि आमने सामने था, कई जगहों में था। तो आपकी पार्टी तो हरियाणा में है ना, हरियाणा से विधायक जीते हैं, सांसद बने, पंजाब राजस्थान, माफी राजस्थान। मैं ये कह रहा हूँ कि इन उपचुनाव के अंदर गठबंधन होगा या नहीं होगा ये बाद में तय करेंगे, जितने भी मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, मेरी बात सुने आप, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछ के बात करेंगे कि इसमें गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस सरकार के पिछले समय कई मामलों में हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे सड़कों पर, तो इसका मतलब अगर कोई किसी तरह की पेपर लीक की घटना थी, अगर कोई इश्यू ऐसा था जिसमें कुछ कांग्रेस के कनेक्शन जुड़े हुए थे पिछली बार, सुनिए मेरी बात, तो मैं मुद्दों को छोड़ छोड़ दूंगा, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। नहीं समझना चाह रहे हैं कि केंद्र में तो आप कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ हो, यहाँ पर क्यों नहीं हो, आखिर क्या वजह है? वही तो कांग्रेस है जो केंद्र में है, वही कांग्रेस यहाँ राज्य में है। आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि कांग्रेस की वजह से मैं नहीं हूं, मैं आपको फिर कह चुका हूं, कितनी बार कहूंगा कि मेरी हिस्ट्री उठाकर देखोगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं गए थे गठबंधन करने के लिए, वो आए थे आपके पास? हाँ वो तो आए थे 2-3 सीट की बात करके, और मेरा एक उम्मीदवार और ले गए, वो आए उम्मीदवार राम बेनीवाल जी को ले गए, वो तो सही बात की, सुनिए इसीलिए आप बढ़वाना चाह रहे थे। सुनो, आए थे ले गए, वैसे गठबंधन के अंदर जब बात चलती है तो कभी भी धोखाधड़ी नहीं करते, और मेरे साथ धोखाधड़ी कांग्रेस के एक ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी की गई। एक ग्रुप चाहता था हनुमान जी को 3 सीट मिले, एक चाहता था नहीं मिले, गठबंधन नहीं, तो इस तरह की धोखाधड़ी। हमारा कैंडिडेट जो था वो पॉलिटिकल आदमी नहीं था, उसको मैंने उसको सुनो तैयार किया और जल्दी से उनके झांसे में आके भाग गया, ये हुआ था उस समय। नागौर और खींवसर में मिर्धा परिवार के इर्द गिर्द दशकों से राजनीति रही है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सारा राजनीतिक गणित हनुमान बेनीवाल ने पलट कर रख दिया? और दूसरी बात यह कि खींवसर और नागौर में ही आपकी ताकत ज्यादा क्यों दिखाई देती है, और तीसरा मोर्चा राजस्थान में आपको क्यों लगता है कि सफल अभी तक नहीं हो पाया? बात बहुत हुई विधानसभा चुनाव में भी हुई थी कि ये दल बन जाएं, आपने तो सचिन पायलट को खुला ऑफर भी दे दिया था सीएम बनने का, लेकिन फिर अभी नहीं बन पाया। राजस्थान की जो आप राजनीतिक स्थिति देखोगे ना 1952 से लेकर आज तक की, यहाँ किसी ने प्रयास नहीं किया, यहाँ दिल्ली से जो फरमान आता है, यहाँ लोग क्या लड़ते नहीं सड़कों पर, आलसी हैं, सुस्त हैं लोग, लड़ना नहीं चाहते। अब नौजवानों ने पिछले 10-15 साल से ये शुरुआत करी, 15-20 साल हो गई होगी। देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में राजनीति करता तो मेरे जिले के 70 बच्चे थे, आज 3-4 हजार होंगे। अब किसान के बेटों ने तय किया है कि हम हरियाणा उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां उनके नारे नहीं लगाएंगे, हमारी खुद की पार्टी राजस्थान की होनी चाहिए। तो ये शुरुआत हुई है, और शुरुआत बीजेपी की थी जब 2 सीट आई थी बीजेपी की शुरुआत के अंदर, 2 से 303 और अब वापिस 235-40 पे आ गए। तो शुरुआत हमने करी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं 115 सीट लेंगे 120 लेंगे, लेकिन दोनों पार्टियों का समीकरण हर जगह बिगड़ गया। आरएलपी जहां भी लड़ती है, बाई इलेक्शन जब हुए राजस्थान के अंदर पिछली बार 5-6 जगह, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक जगह 4थे नंबर पर चलेगी। जमानत जब हुई थी जो प्रदेश अध्यक्ष थे आपके पिछली बार सीपी जोशी, उनके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जमानत जब हुई थी, हम सेकंड रहे थे बल्लभ नगर के अंदर, फिर वो मेरा प्रत्याशी बीजेपी में जाके विधायक बन गया। होता है अक्सर, क्या होता है कि लोग थोड़े समय के लिए आते हैं पॉपुलरिटी के लिए, उनको मंच मिल जाता है और वो फिर क्या भाग जाते हैं, इधर पार्टियां डालती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, मेरा जो मकसद है पहले से तय है कि मुझे बिल्कुल शुभकामनाएं हनुमान बेनीवाल जी के लिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। परिवार की बात बहुत, उनके वजूद तो खत्म हो गए पहले से, उनकी बात आप मत करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी, आपने समय निकाला हमारे साथ, आप इस कार्यक्रम में सवालों के जवाब दिए, लेकिन मेरा आग्रह जी हनुमान बेनीवाल जी के लिए हो जाए, बड़े ही बेबाक के साथ अपने यहाँ जो पक्ष है उन्होंने रखा, और बहुत धन्यवाद आपका हनुमान बेनीवाल जी। मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहे, न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अमित भट्ट जी को, एडिटर न्यूज 18 राजस्थान, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी ने तमाम उन सवालों के जवाब दिए, और यहाँ
कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनकी पेशानी पर बल आज हनुमान बेनीवाल जी के इस जवाब को लेकर जरूर पड़ गए होंगे कि आगामी उपचुनाव को लेकर हम ये तय करेंगे, पार्टी आरएलपी ये तय करेगी कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी बात यह भी हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से निकलकर सामने आई कि केंद्र में उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जरूर है, गठजोड़ जरूर है, लेकिन राज्य की अगर जहां पर बात आती है तो हनुमान